होगा। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी अपडेट्स के बारे में। आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा वीडियो के अंदर काफी सारी अपडेट्स होने वाली हैं हमेशा की तरह, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो वाइस पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले आज की रॉ के बारे में, जो कि यहाँ पर रसल में से पहले का लास्ट एपिसोड था और यहाँ पर हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली और काफी सारे स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिले। और मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर रॉ स्मैकडाउन को अलग अलग दिखाती है, क्योंकि ब्रांड स्प्लिट का यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सुपरस्टार तो इधर से उधर आ रहे हैं। और आज यहाँ पर मेरे हिसाब से सारी स्मैकडाउन के सुपरस्टार यहाँ पर रॉ के ऊपर आए थे, मतलब यहाँ पर जिनकी फ्यूड चल रही है रसल मीना के लिए वो तो सारे सुपरस्टार आए थे यहाँ पर रॉ के ऊपर। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद यहाँ पर इस चीज को रसल मीना के बाद एंड ही कर दें, यानी कि वो ब्रांड स्प्लिट को एंड ही कर दें। बाकी आज की रॉ के बारे में हम बात करें तो काफी कुछ सेगमेंट्स काफी ना कमाल के थे, जैसे कि जो प्रोमोस थे यहाँ पर रोमन रेंस का प्रोमो, ब्रॉक लेसनर केविन ओवेंस का, मतलब इनके प्रोमोस तो काफी ज्यादा जबरदस्त थे। इसके अलावा एक और सेगमेंट मुझे काफी ना बढ़िया लगा, जो कि था बैकी लिंच और बियंका बेलर का। आज यहाँ पर बियंका बेलर ने बैकी लिंच के बाल यहाँ पर काट दिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनके बीच में कुछ नया दिखाया, कुछ यूनिक दिखाया, जो कि देख के मुझे काफी ना सही लगा। और इनका मैच तो मुझे यहाँ पर लग ही रहा है रेसलमेनिया के अंदर काफी एक बढ़िया मैच हो सकता है। तो आज का रॉ का एपिसोड कह सकते हो सही था। मेन इवेंट के अंदर यहाँ पर हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने मिला था, जिसका यहाँ पर कोई रिजल्ट तो निकला नहीं। बाकी बॉबी लेस्ली ने यहाँ पर आज की रॉ में अपना कमबैक करा, ओमोस्को उन्होंने चैलेंज करा, और यहाँ पर जो इनका मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया कि इनका मैच हमें रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा। और जो फाइनली रेसलमेनिया का मूवमेंट जिसको चाहिए था सेथ रॉलिंस को, उनको भी यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि जो उनकी मीटिंग हुई थी रॉ से पहले विंस मैकमैन ने यहाँ पर उनको रेसलमेनिया के अंदर उनका मैच दे दिया है। और यहाँ पर विंस मैकमैन ही चूज करने वाले रेसलमेनिया के अंदर यहाँ पर कौन सेथ रॉलिंस को फेस करेगा, यानी कि वो उस टाइम पर रिवील करेंगे सेथ रॉलिंस का अपोनेंट। तो वो तो हम जानते हैं कोडी रोड्स ही होने वाले हैं, किसी और को होने की ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर, तो वो हमें रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो रॉ का एपिसोड सही था, जो चीज़ें यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड थी वो हमें देखने को मिली। बाकी कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपको आज का रॉ का एपिसोड कैसा लगा और आप क्या चाहते हो, क्या रेसलमेनिया के बाद यहाँ पर ब्रांड स्प्लिट को एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि सुपरस्टार तो यहाँ पर इधर से उधर जा ही रहे हैं, तो यहाँ पर फिर इस चीज़ का मतलब ही क्या है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट की बात करें हो गाइस, यहाँ पर एक काफ़ी बेकार अपडेट है, अपडेट बेकार नहीं है लेकिन जिन सुपरस्टार के साथ ऐसा हो रहा है वो काफ़ी ना बेकार है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट शो के बारे में, जो कि यहाँ पर मुझे पता नहीं है कोई देखता है या फिर नहीं देखता, कोई यहाँ पर देखते ही नहीं उसको। लेकिन इस वीक का मैं आपको मेन इवेंट का शो का कुछ स्पॉयलर बताऊं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले से रिकॉर्ड कर लेती है। तो वहां पर हमें देखने को मिले हैं फिन बैलर, उनका यहां पर मैच हुआ अपोलो क्रूज के साथ में, और इसके साथ यहां पर वीर महान, जो कि काफ़ी टाइम से आ ही रहे हैं मेन इवेंट वाले शो के अंदर, उनका भी मैच यहाँ पर सेड्रिक अलेक्जेंडर के अगेंस्ट हुआ है। लेकिन फिन बैलर, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो यूएस चैंपियन है, उनको रेसलमेनिया के अंदर कोई मैच मिलना चाहिए था, वो तो यहाँ पर मिला नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको मेन इवेंट के ऊपर फीचर कर रही है और वहाँ पर उनका मैच हुआ है। और जो नेक्स्ट वीक यानी कि इसी वीक यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर जो बैटल रॉयल होगा, उसका भी यहाँ पर पार्ट यहाँ पर फिन बैलर होने वाले हैं। तो भले ही यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको चैंपियन बना दिया, लेकिन बुकिंग उनकी यहाँ पर बिल्कुल भी वैसी चल नहीं रही है, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर यहाँ पर वो एक सिंगल्स मैच तो डिजर्व करते थे, लेकिन यहाँ पर उनको बैटल रॉयल के अंदर डाल दिया, मेन इवेंट वाले शो के अंदर डाल दिया। तो ये कुछ यहाँ पर हालत चली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मिडगार्ड चैंपियंस की। रिकोसे को भी आज यहाँ पर हमने देखा, जहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी से वो अपना मैच हार गए, उनको भी रेसलमेनिया के अंदर कोई मैच यहाँ पर मिला नहीं है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो दोनों मिडगार्ड टाइटल हैं उनके साथ कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है, और सुपरस्टार को भी यहाँ पर वो मैचेस हर बार है, उनके साथ भी यहाँ पर कुछ अच्छा हो नहीं रहा। तो ये कुछ यहाँ पर बेकार न्यूज़ है फिन बैलर और रिकोसे के लिए। ये चैंपियन बने थे, हम काफ़ी ना खुश हुए थे कि यहाँ पर फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको टाइटल दिया, इनको पुश दिया, लेकिन पुश मेरे हिसाब से अभी तक इनको वैसा कुछ मिला नहीं है। अगली अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, बात करते हैं कल के एनएसटी के बारे में, जो कि यहाँ पर वो भी गो होम एडिशन होने वाला है एनएसटी स्टैंड एंड डिलीवर का, और वहाँ पर भी काफ़ी सारे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। पूरा कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हो क्या कुछ हमें कल के शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो एनएसटी काफ़ी ना सही चल रहा है वहाँ पर, एनएसटी को मैं हर हफ्ते देख रहा हूँ, देखूंगा कल अगर हो पाए तो यहाँ पर एनएसटी की अलग से वीडियो आ जाएगी, अगर हो पाए तो कुछ यहाँ पर मैं कंफर्म बोल ले रहा हूँ। कल देखेंगे एनएसटी के शो के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो कि स्टैंड एंड डिलीवर से पहले का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगली अपडेट की बात करें गाइस, बात करते हैं यहाँ पर रेसलमेनिया 38 की स्टेज के बारे में। तो भाई स्टेज को लेके हमारे मन में यहाँ पर हर साल ये एक्साइटमेंट होती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बार क्या कुछ यूनिक करेगी, क्या कुछ स्टेज का डिज़ाइन होगा, सेटअप होगा। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अभी कुछ वैसे तो लीक निकल के आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर इस थर्सडे को यहाँ पर जो उनका स्टेज है वो यहाँ पर रिवील करेगी, यानी कि जो हर साल यहाँ पर वो स्नीक पीक दिखाते हैं ना, एक वीडियो दिखाते हैं
छोटी सी वीडियो आती है जहाँ पर वो स्टेज को रिवील करते हैं। तो बताया जा रहा है यहाँ पर थर्सडे के दिन WWE यहाँ पर उस स्टेज को रिवील करने वाली है, जो कि देखना होगा यहाँ पर WWE ने इस बार यहाँ पर कैसा कुछ स्टेज का डिज़ाइन यहाँ पर सेटअप करा है, क्या कुछ यहाँ पर बनाया है। और स्टेज भी रसलमीनिया के अंदर काफ़ी कह सकते हो बड़ा फैक्टर है, काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है वो। तो देखेंगे इस बार का यहाँ पर स्टेज कैसा होता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, इतनी सारी कुछ अपडेट्स थी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं। तो वाइस पे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।